मार्केट से भी अच्छा और बिना मिलावट वाला धनिया पाउडर आज हम करेंगे घर में तैयार। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरती होम टिप्स में। तो आज मैं बताऊंगी कि धनिया पाउडर घर में कैसे बनाएं। तो उसको बनाने के लिए हमने लिया यहाँ 250 ग्राम धनिया, इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही अच्छे से साफ़ है। तो चलिए हम इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है हमें, यहाँ मैं गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई हुई, मैं यहाँ लोहे की कढ़ाई ली हूँ, कोई सी भी कढ़ाई ले सकते हैं। उसमें हम धनिया को गर्म करेंगे, गैस को हमने ऑन कर लिया है और इसको धनिया डाल के हम इसको अच्छे से चलाएंगे। ये ध्यान रखें कि हमें धनिया को हमेशा चलाते हुए ही इसको गर्म करना है कि ये नीचे से जल ना जाए। अब हम इसमें धनिया में डाल देंगे हम दालचीनी, जिसको हमने तोड़ के डाला है, इसको भी धनिया में डाल के पीसेंगे, जिसका स्वाद बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी वगैरह में। तो हमने इसको डाल दिया है, अब इसको हम मिला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे तेज़पत्ता, मैं यहाँ 5 से 6 तेज़पत्ता लिया हूँ, तो इसको मैं तोड़ करके डाल दूँगी, देख सकते हैं आप। इसको हम ऐसे डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है, ये जले ना, इसलिए मैं मीडियम रखी हूँ। अब इसमें डाल देंगे हम काली मिर्च, जो कि धनिया में डालने से बहुत अच्छा होता है। धनिया पीसने के बाद जब सब्ज़ी वगैरह में डालते हैं तो हम काली मिर्च का पाउडर ना भी डालें तो हमारी सब्ज़ी में बहुत अच्छा स्वाद आता है, टेस्टी बनती है सब्ज़ी। तो इसको डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब आई बारी कि हम इसको स्टोर कैसे करें, मतलब स्टोर करने के लिए करेंगे तो ये ख़राब ना हो और इसमें कीड़े ना लगे, इसके लिए हम इसमें डाल देंगे लौंग। देखिए लौंग डाल को हम पीस देंगे, इसको पीसेंगे। आप चाहे तो पीसने के बाद भी इसमें लौंग मिला डाल सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम लौंग डालते हैं उसमें तो सब्ज़ी वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसमें धनिया डालते वक्त ना लौंग भी चला जाता है, हमारे धनिया में रहता ही नहीं है, तो इसके जिसके कारण हमारा धनिया ख़राब हो जाता है पाउडर। तो हम इसलिए हम इसमें डाल के पीस ही देंगे। तो देखिए हमने यहाँ भून लिया है, अब हमारा धनिया जो है हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, भून चुका है, देख सकते हैं आप। तो अब हम करेंगे क्या, गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए निकाल लेंगे थाली में और इसको ठंडा होने देंगे, क्योंकि हम गर्म तो मिक्सी में पीस नहीं सकते ना, इसलिए हम इसको थाली में निकाल के रख देंगे, जैसे कि ये ठंडा हो जाए और आसानी से पिसा जाए। तो हमने थाली में निकाल लिया है, इसको गर्म ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, देख सकते हैं काफ़ी गर्म है ये इस टाइम, तो ठंडा होने के बाद ही ये पिसा जाएगा, इसके लिए हम इसको इसी ठंडा होने के लिए रखते हैं। आप चाहे तो पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, तो ऐसे भी ये 10 मिनट में अच्छे से ठंडा हो जाएगा। देखिए ठंडा हो चुका है 10 मिनट के बाद। अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्सी जार में डाल के हम पीस लेंगे थोड़ी थोड़ी करके। यहाँ डाल लिया है मिक्सी में जार में, इसको ढक्कन बंद करके अब इसको हम पीस लेंगे। देखिए अच्छे से पाउडर, बहुत ध्यान से हमें इसको पीस लेना है। हमारा ये पीस चुका है, इसको बंद कर देते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारा धनिया जो है वो पीस के तैयार है। ऐसे करके हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं पहले, ऐसे करके हम सारे धनिया को अच्छे से पीस लेंगे। देखिए पाउडर सा बन गया है, ऐसे करके हमने सारे धनिया को पीस लिया, आप देख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, हमें एक छन्नी की सहायता से इसको साफ कर लेना है, छान लेना है। देखिए मैंने यहाँ जिससे हम मैदा या सूजी चालते हैं ना वो छन्नी ली हूँ, उसकी सहायता से मैं यहाँ सारे धनिया के पाउडर को अच्छे से छान लूँगी, जिससे कि ये इसका जो पतला पिसा हुआ है ना पाउडर बना हुआ वो नीचे आ जाए और निकल जाए और इसका मोटा हुआ भाग पिस जाए। तो मोटे हुए भाग को भी हल्का गर्म करके उसको हम पीस लेंगे, जो हल्का मोटा पिसा हुआ है। देखिए मैंने इसको भी पीस लिया है और उसको भी एक छन्नी में, उसी छन्नी में डाल के अच्छे से छान लेंगे। देखिए हमारा कितना पतला पाउडर तैयार हुआ है, कितना पाउडर सा, इसको भी अच्छे से हम छान के दिखाती हूँ मैं।
इस तरह से आप ज़रूर घर में बनाएं धनिया पाउडर। मार्केट में बहुत मिलावट पड़ती है मिलती है, तो आप घर में बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। देखिए हमारा पाउडर तैयार है। अब इस पुने को हम अपने में डब्बे में रख लेंगे जिसमें हम स्टोर करते हैं। अक्सर मार्केट में जो मिलती है उसमें बहुत मिलावट रहती है, तो हमारे सेहत के लिए बहुत ख़राब है, वो हानिकारक है। तो आप चाहे तो घर में बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। देखिए हमने बना लिया है, और ऐसे आप ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं घर में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।